Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1981 की इटालियन फिल्म मैडली इन लव के बारे में, जो कहानी है बार्नाबा नाम के एक बस ड्राइवर की, जिसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, पर वो इस बात से अनजान है कि वो लड़की एक राजकुमारी है। सेंट ट्यूलिपे नाम के एक काल्पनिक देश का राजा गुस्तावो अपनी पत्नी और बेटी क्रिस्टीना के साथ रोम आया और उनका स्वागत कर रहा हर सिपाही क्रिस्टीना की ही तरफ देखने लगा। उनके स्वागत में एक आदमी उन्हें एक पोएम सुनाने लगा, जिसे सुनकर क्रिस्टीना बोर हो गई। गुस्तावो रोम में सिर्फ एक बैंक से 50 मिलियन यूरोस का लोन लेने आया था, ताकि उसके देश का फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हो जाए, पर क्रिस्टीना वहाँ घूमने फिरने की उम्मीद से आई है। उन्हें एयरपोर्ट से उनकी एम्बेसी ले जाया गया, जहाँ वो तीनों रहने वाले हैं। दूसरी ओर उसी शहर में रहने वाला आदमी बार्नाबा हर रोज की तरह अपनी दुनिया में गुम अपने ऑफिस जाने के लिए निकला। अपनी बिल्डिंग में रह रहे लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर वो गैराज में गया और अंदर जाकर अपनी गाड़ी लेकर बाहर आया। वो पूरे रास्ते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा और फिर अपने बस स्टॉप पहुंचा, जहां वो ड्राइवर की नौकरी करता है। बार्नाबा शहर का सबसे मशहूर ड्राइवर था, जिसकी बस में आना सबको पसंद था और सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। एम्बेसी में रह रहकर क्रिस्टीना बोर होने लगी थी और इसलिए वो मौका देखकर सबकी नजरों से छिपते छिपाते वहाँ से भाग निकली और सीधे जाकर वो बार्नाबा के बस में जा बैठी। वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। बार्नाबा ने पहले तो कहा कि वो बस को टाइम से पहले नहीं चलाएगा, पर जब उसने क्रिस्टीना को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर उसने अपना मन बदल लिया। उस वक्त बार्नाबा पहली बार किसी को देखकर एक उलझन में फंस गया और ये सोचने लगा कि शायद उसे प्यार होने लगा है। ऐसी ही एक रोमांटिक ऑडियो बुक है जिसका नाम है अनकन्वेंशनल प्यार। ये एक ऐसी ऑडियो बुक है जिसमें उलझे हुए जज्बातों को सुलझाने की कोशिश की जाती है और इस ऑडियो बुक को आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है, जहां ऐसी ही कई सारी कहानियां सुनकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की ऑडियो लाइब्रेरी में आपको 4000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट मिलेगा और कुकू FM की सबसे अच्छी बात यह है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में ये ऑडियो बुक्स कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, कुकू FM आपको एक ऐसा ऑफर दे रहा है जहां दिए गए कूपन कोड को यूज करके पहले 250 यूजर्स 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी कि आधे सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आप बहुत सारे नए कंटेंट और नया नॉलेज पा सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस कूपन कोड को यूज करना होगा। क्रिस्टीना रोम देखना चाहती थी और बार्नाबा ने उसे रोम की सारी मशहूर जगह दिखाने का फैसला किया। बस चलाते वक्त बार्नाबा क्रिस्टीना की तरफ देखता रहा और कहने लगा कि वो उसकी आंखों के रिफ्लेक्शन में रास्ता देख लेगा, और जैसे ही क्रिस्टीना ने अपनी आंखें बंद की, वो बस एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी का मालिक जब वहां आया तो क्रिस्टीना ने कहा कि उसने आंखें बंद कर ली, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। वो आदमी समझ नहीं पाया कि क्रिस्टीना के आंख बंद करने से ड्राइवर कैसे अंधा हो गया। तब बार्नाबा ने बाहर आकर उसे पैसे दिए। उस आदमी ने जब कहा कि बार्नाबा ने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं, तो बार्नाबा कहने लगा कि उसे प्यार हो गया है, और उस आदमी को लगने लगा कि बार्नाबा को उससे प्यार हुआ है। बार्नाबा ने उसे बताया कि उसे अंदर बैठी लड़की से प्यार हुआ है, और तब उस आदमी ने राहत की सांस ली। वो बस अपनी पहली मंजिल पर पहुंची, जहां एक फाउंटेन था। बार्नाबा ने बताया कि उस फाउंटेन में सिक्का डालने से क्रिस्टीना को यहां वापस आने का मौका मिलेगा। ये सुनकर क्रिस्टीना ने एक सोने का सिक्का फाउंटेन में फेंक दिया। बिना वक्त गवाए बार्नाबा ने उससे कह दिया कि वो उससे प्यार करता है, पर क्रिस्टीना इस बात को मजाक में लेने लगी। आगे बढ़ते हुए रास्ते में बस के आगे एक आदमी बहुत से टीवी सेट्स लेकर आ गया और उसे अपने आगे से हटाने की कोशिश में बार्नाबा से वो सारे टीवी सेट्स गिर गए और उस आदमी ने बार्नाबा को गालियां देना शुरू कर दिया। क्रिस्टीना उस गाली का मतलब नहीं जानती थी, तो बार्नाबा ने कहा कि जब किसी को कोई पसंद आने लगे तो उसे यही बोला जाता है। बार्नाबा क्रिस्टीना का गाइड बन चुका था और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसे एंटरटेन करने लगा। इस बीच उसने क्रिस्टीना से फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, पर क्रिस्टीना को उसकी कहानियों में और उसके मजाकिया हरकतों में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए बार्नाबा ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसकी ख्वाहिश पूरी करते करते बार्नाबा ने एक ऐतिहासिक जगह पर चीजें तोड़ दी और तब उन दोनों को वहां से भागना पड़ा। गुस्तावो को बताया गया कि क्रिस्टीना गायब है। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था, पर उसके सेक्रेटरी ने उसे समझाया कि मीडिया तक अगर ये बात पहुंची तो वो उनके यहाँ आने की वजह पूछेंगे और सबको पता चल जाएगा कि वो लोग लोन लेने वहाँ आए हैं।
दूसरी ओर बार्नबा क्रिस्टीना को लेकर बीच पर गया। बार्नबा वहां अपने कपड़े बदलने लगा कि तभी क्रिस्टीना के बॉडीगार्ड्स वहां आ गए और उनसे छुपने की कोशिश में वो चेंजिंग रूम में घुस गई। ऐसा होने पर बार्नबा को लगने लगा कि क्रिस्टीना उसके करीब आना चाहती है। पर क्रिस्टीना ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब वो दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारकर थक गए तो बार्नबा ने उसे बाहर निकाल दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बीच पर वक्त बिताने लगे। बार्नबा ने तब कहा कि वो क्रिस्टीना से शादी करना चाहता है और अगर उसने ना कहा तो वो अपनी जान दे देगा। ये सुनकर क्रिस्टीना ने सीधे ना कह दिया और बार्नबा को अपनी कही बात साबित करने के लिए पानी में कूदना पड़ा। पहले तो क्रिस्टीना बेफिक्र होकर हंसने लगी, पर जब बहुत देर तक बार्नबा बाहर नहीं आया तो वो डर गई। और जल्द ही बार्नबा को अपने इस मजाक की सजा भी मिल गई। कुछ वक्त बाद एक अरबी आदमी वहां आया जिसे बार्नबा परेशान करने लगा और जाते जाते वो आदमी बार्नबा को वही गाली दे गया जो टीवी वाले बूढ़े आदमी ने उसे दी थी। और क्रिस्टीना सोचने लगी कि बार्नबा को हर कोई पसंद करता है। वो क्रिस्टीना को लेकर एक ज्योतिषी के पास गया जिसने क्रिस्टीना का हाथ पढ़कर बताया कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और वो उसके होने वाले पति के बारे में जो कुछ कहती गई वो सब कुछ बार्नबा की तरफ इशारा कर रहा था। क्रिस्टीना को लगने लगा कि बार्नबा ने उस औरत को ये कहने के लिए पैसे दिए होंगे। वो इस बात से इनकार करता रहा, पर फिर उसने बताया कि वो औरत उसी की मौसी है। मेले में वक्त गुजारते हुए क्रिस्टीना को देर हो गई और उसने अपने पिता को कॉल किया। वो उन्हें समझाने लगी कि वो सुरक्षित है, पर उसके पिता उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब बार्नबा ने उन्हें अपने बारे में बताया और कहा कि वो क्रिस्टीना को डिनर पर ले जा रहा है जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देगा। ये जानकर कि क्रिस्टीना को कोई मिल गया है उसकी माँ बहुत खुश हुई, पर उसके पिता खुश नहीं थे क्योंकि वो आदमी एक बस ड्राइवर था। क्रिस्टीना से बात करते हुए बार्नबा को समझ आया कि वो एक रईस खानदान से है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो एक राजकुमारी है। वो उससे शादी की बातें करने लगा और आगे की प्लानिंग करता रहा, जिसके जवाब में क्रिस्टीना ने कहा कि अगर गर्मी के मौसम में बर्फ गिरी तो वो उससे शादी करेगी। क्रिस्टीना को बार्नबा के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसे खुश रख रहा था, पर इस बीच क्रिस्टीना के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें देख लिया। कुछ वक्त बाद क्रिस्टीना ने शराब के नशे में बार्नबा को बताया कि वो एक राजकुमारी है, पर बार्नबा ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। क्रिस्टीना वहां मौजूद एक आदमी के साथ डांस करने लगी और इस बात से बार्नबा को तकलीफ हुई। उसने उस आदमी को धमकाया और कहा कि अगर वो क्रिस्टीना के पास आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी इस धमकी के जवाब में उस आदमी ने बार्नबा को अपनी ताकत दिखाई, जिसे देखकर सब डर गए, पर बार्नबा ने उसी आदमी को उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये देखकर क्रिस्टीना के बॉडीगार्ड्स डर गए। नशे में क्रिस्टीना ये भूल गई कि वो रहती कहाँ है और बार्नबा को उसे अपने घर ले जाना पड़ा और उन दोनों का पीछा करते हुए वो बॉडीगार्ड्स वहां आ पहुंचे। किसी तरह क्रिस्टीना को संभालने की कोशिश करते करते बार्नबा उसे अपने कमरे में ले गया और वो बॉडीगार्ड समझ नहीं पाए कि आखिर वो दोनों किस बिल्डिंग में गए हैं। सोने से पहले क्रिस्टीना ने कहा कि उसे ये दिन हमेशा याद रहेगा और उसने बार्नबा को वही गाली दी जो उसे दिन भर दी गई थी। अगली सुबह उसने देखा कि बार्नबा उसे बेड पर छोड़कर बाहर शेल्फ के ड्रॉअर में सोया था और उसे अलविदा कहकर उस ड्रॉअर को बंद करके वो वहां से चली गई। बहुत देर तक बार्नबा उस ड्रॉवर में फंसा रहा, पर जब तक उसे वहां से निकाला गया क्रिस्टीना वहां से जा चुकी थी। और बार्नबा ये भी नहीं जान पाया कि आखिर क्रिस्टीना रहती कहाँ है। उसे ढूंढने के लिए बार्नबा ने अपने साथियों के लिए उसका स्केच बनाया और शहर भर में उसे ढूंढने के लिए कहा। वो हर वक्त सिर्फ उसे ढूंढने के बारे में सोचता रहा और इसलिए उसका काम से भी ध्यान हटने लगा। वो आते जाते हर किसी से बीच रास्ते रुककर क्रिस्टीना के बारे में पूछने लगा और इस वजह से उसे गालियां भी सुननी पड़ी। उसके साथी हर लड़की को उसके पास लेकर आए, पर उनमें से कोई भी क्रिस्टीना नहीं थी। आखिरकार एक दिन उसे टीवी पर क्रिस्टीना दिखाई दी और उसे पता चला कि वो एक राजकुमारी है। उसे ढूंढने पर बार्नबा खुशी से नाचने लगा और अगले ही दिन एम्बेसी पहुंच गया, जहां उसका स्वागत गार्ड्स ने उसकी चेकिंग करते हुए किया। उसे अंदर तो जाने दिया गया, पर उससे ये कहा गया कि बिना अपॉइंटमेंट के वो राजकुमारी से नहीं मिल सकता। उसने उन लोगों को मेले में जीता हुआ बंदर क्रिस्टीना तक पहुंचाने के लिए दिया, जो क्रिस्टीना तक नहीं गुस्तावो तक पहुंचा। गुस्तावो ने कहा कि वो उस आदमी बार्नबा से मिलना चाहता है। उस वक्त वहाँ क्रिस्टीना मौजूद थी और बंदर देखकर उसे पता चला कि बार्नबा वहाँ आया है, पर गुस्तावो ने उसे समझाया कि उसे एक राजकुमारी की तरह रहना होगा। अपने पिता की बात मानते हुए क्रिस्टीना वहाँ से बाहर गई और बार्नबा और अपने पिता के बीच हो रही बातें सुनने लगी।
बार्नबा ने गुस्तावो से कहा कि वो क्रिस्टीना से शादी करना चाहता है और शादी में आने वाले मेहमानों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। गुस्तावो कहने लगा कि अरबोपति लड़के उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो एक बस ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाए। गुस्तावो ने उसे क्रिस्टीना से दूर रहने के लिए कह दिया और बार्नबा उसे अपनी हरकतों से परेशान करने लगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। वो देर रात अपने साथियों के रूप में एक ऑर्केस्ट्रा लेकर वहाँ आया और क्रिस्टीना की खिड़की के बाहर वो सारे लोग गाना गाने लगे। एक तरफ जहाँ उसकी परफॉर्मेंस से क्रिस्टीना और उसकी माँ खुश थे, तो दूसरी तरफ गुस्तावो परेशान हो गया और अपने सेक्रेटरी के साथ बार्नबा से पीछा छुड़ाने के तरीके सोचने लगा। क्रिस्टीना ने उस रात बार्नबा से बात की और उसे बताया कि वो जल्द ही शादी के लिए लड़का देखने वाली है और उस एम्बेसी में एक पार्टी में लोगों को बुलाने वाली है। इसके जवाब में बार्नबा ने कह दिया कि वो उसे भी अपने होने वाले शादी की इनविटेशन भेज दे, और इस बात से क्रिस्टीना नाराज हो गई। उसने बार्नबा को उस पार्टी में बुलाया जहां वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आ गया। दूसरे देश से आए मेहमान उस यूनिफॉर्म में उसे देखकर बार्नबा को एक आर्मी मैन समझने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। जल्द ही गुस्तावो को बार्नबा के वहाँ होने के बारे में पता चल गया और उस पार्टी में भी बार्नबा की मजाकिया हरकतें शुरू हो गई। वहाँ मौजूद हर एक वेटर और कुक बार्नबा को जानता था और वो उसके वहाँ होने से खुश हो गए, क्योंकि पहली बार एम्बेसी में राजा और रानियों के बीच एक बस ड्राइवर आया है। वहाँ मौजूद कुछ मेहमान इकोनॉमी की बातें करने लगे और उन्होंने बार्नबा से टिप्पणी मांगी। जब बार्नबा ने उनके सवालों के जवाब दिए तो हर कोई हैरान हो गया, ये सोचकर कि बार्नबा को इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता है। पर सिर्फ क्रिस्टीना जानती थी कि बार्नबा बस ड्राइविंग की बातें कर रहा है। जल्द ही अपनी हरकतों से बार्नबा ने एम्बेसी में मौजूद हर इंसान को हंसा दिया, और सिर्फ मेहमानों को ही नहीं गुस्तावो को भी उसने हंसा दिया। और सब उसे पसंद करने लगे। कुछ वक्त बाद वो सबके लिए खाने की चीजें लेकर आया और रॉयल लोगों को उसने अपने जैसा ही बना दिया। मौके का फायदा उठाकर बार्नबा ने सबके सामने ये अनाउंस किया कि वो क्रिस्टीना से जल्द ही शादी करने वाला है, पर क्रिस्टीना ने सबके सामने इनकार कर दिया। गुस्से में बार्नबा वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने शादी का न्योता मेहमानों और वहाँ काम कर रहे लोगों को दे दिया और कहा कि शादी तो होकर रहेगी। हर एक बैंक ने गुस्तावो के लोन की अर्जी ठुकरा दी और इस परेशानी से निकलने के लिए उसके सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें क्रिस्टीना की शादी एक जर्मन राजकुमार से करवानी चाहिए। उसकी माँ इस बात से खुश नहीं थी और चाहती थी कि बार्नबा से उसकी शादी हो, पर गुस्तावो ने समझाया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। क्रिस्टीना एक डांस अकेडमी गई थी, पर उसे ये पता भी नहीं था कि बार्नबा अपनी बस में उसे भगाकर ले जाने वाला है। वो क्रिस्टीना को उसकी मर्जी के खिलाफ बस में बिठाकर अपने घर ले आया और उसे घर में बंद कर दिया। क्रिस्टीना कहती रही कि उसे वहाँ से जाना है और वो बार्नबा से प्यार नहीं करती, पर बार्नबा ने उसे वहाँ से जाने नहीं दिया। वो दोनों उस घर में कुछ वक्त बिताने लगे और फिर क्रिस्टीना ने कहा कि वो हमेशा से बार्नबा से प्यार करती थी, पर उसने कभी उसे बताया नहीं क्योंकि उनकी शादी हो नहीं सकती। तब बार्नबा ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि गर्मी के मौसम में अगर बर्फ पड़े तो वो उससे शादी कर लेगी, और उसने अपनी खिड़की के बाहर पड़ रही बर्फ क्रिस्टीना को दिखाई। ये देखकर क्रिस्टीना हैरान हो गई, पर फिर उसे पता चला कि बाहर बर्फ नहीं पड़ रही बल्कि बार्नबा की नौकरानी उसके कहने पर उसकी मदद कर रही है। कुछ वक्त बाद वहाँ बॉडीगार्ड्स आ गए और राजकुमारी और बस ड्राइवर की प्रेम कहानी खत्म हो गई, और यही बात पूरे शहर भर में फैल गई। बार्नबा और उसकी ये प्रेम कहानी टीवी पर मशहूर हो गई और टीवी के जरिए बार्नबा ने रोम के लोगों को थोड़े थोड़े पैसे डोनेट करके 50 मिलियन यूरोस देने के लिए कहा, ताकि वो सारे पैसे गुस्तावो को दे दे और क्रिस्टीना से शादी कर ले। ये बात सुनने में अजीब तो लगती है, पर अंत में शहर के लोगों ने वो पैसे गुस्तावो की ओर फेंकने शुरू किए और गुस्तावो की तकलीफें खत्म होते ही वो बार्नबा और क्रिस्टीना की शादी के लिए मान गया, और पूरे शहर की वजह से वो दोनों हमेशा साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।